एक महिला अपने पति को पढ़ा लिखा करके शिक्षक बनाती है और पति बदल जाते हैं। जी हाँ। पति बदल गए। जी पति बदल गए। कौन सी नौकरी हुई आपके पति को? हाई स्कूल के टीचर है, 9वां 10वां के टीचर। शिक्षक की नौकरी हुई है। हाँ। शिक्षक बनते ही बदल गए। जी हाँ, शिक्षक बनते ही बदल गए और रखना नहीं चाहते, दूसरी शादी करना चाहते। तुम जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। केसर भी करेंगे तो केस भी लड़ेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं। और टीचर कब बने पति आपके? टीचर 2023 में बने थे। दो नौकरी लगते ही ऐसा क्या हुआ कि आपके पति आपको नहीं रखना चाहते? नौकरी हुआ इसीलिए, दहेज का लोभ है। हाँ, मतलब नहीं मिलेगा, गरीब है, कहाँ से देंगे, दूसरी हाँ। करेंगे तब मिलेगा। बीपीएससी से टीचर बने इनके पति, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शादी होगी, दूसरी लड़की आएगी तो दहेज भी मिलेगा। जी हाँ। सही बात है। हाँ, इसलिए हमको नहीं रखना चाहते। हाँ। आप रहना चाहती हैं अपने पति के साथ? जी हाँ, रहना चाहते हैं, लेकिन अभी हम बिहार के बेगूसराय में है। हमारे हाथ में जो एक तस्वीर है, इसमें एक लड़का और लड़की के शादी का तस्वीर है, और इस लड़की की शादी एक बेरोजगार लड़के से होती है, और शादी के बाद ये अपने पति को पढ़ा लिखा करके कहीं शिक्षक बनाया, और शिक्षक बनते ही पति जिसका नाम मुकेश कुमार है वह इसे धोखा दे देता है और दूसरी शादी करने की तैयारी में है अभी। जी हाँ। नाम क्या? मेरा नाम सोनी कुमारी, पिताजी का नाम संतोष महतो। हाँ। शादी कब हुई थी आपकी? 13/5/2022 को। शादी 2022 में हुई है। और टीचर कब बने पति आपके? टीचर 2023 में बने थे। दो नौकरी लगते ही ऐसा क्या हुआ कि आपके पति आपको नहीं रखना चाहते? क्या बोलते हैं आपके पति आपके ससुराल वाले? बोलते हैं अब नहीं रखेंगे। क्यों, दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? नौकरी हुआ इसीलिए, दहेज का लोभ है। हाँ, मतलब नहीं मिलेगा, गरीब है, कहाँ से देंगे, दूसरी हाँ। करेंगे तब मिलेगा। शिक्षक बन गए, टीचर बन गए, बीपीएससी से टीचर बने इनके पति, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शादी होगी, दूसरी लड़की आएगी तो दहेज भी मिलेगा। जी हाँ। सही बात है। हाँ, इसलिए हमको नहीं रखना चाहते। हाँ। आप रहना चाहती हैं अपने पति के साथ? जी हाँ, रहना चाहते हैं, लेकिन अब कैसे रहेंगे, सब तंग करते हैं, सब मिलकर मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। ये कब से हुआ कि आपको नहीं रखना चाह रहे हैं? नौकरी के बाद नहीं रखना चाहते हैं, ये 6 महीना से हो रहा है। 6 महीने से? और शादी के कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए, और नौकरी लगे हुए भी लगभग 6 महीने हुए। हाँ, 6 महीने हुए। और तभी से उनका मन बदल गया है। जी हाँ? लंच भी पैक करके देते थे, कपड़ा ठीक सब चीज करके देते थे, तब पढ़ाई करने के लिए जाते थे। जब नौकरी हो गया तब अब बात भी नहीं करना चाहते हैं। बात भी नहीं करना चाहते हैं। जब नौकरी लगी थी तो आपको फोन किए थे वो? नहीं, फोन नहीं किए। फोन भी नहीं किए? नहीं। आपने कभी गौर किया कि आप किस के रहते फोन पे किसी और महिला लड़की से बात करते करते थे आपके पति? हाँ, करते थे। करते थे जी। हाँ, तो आप रोकती नहीं थी? हमको मानवे नहीं करते थे। तो शुरू से नहीं मानते थे या नौकरी के बाद? नौकरी के बाद। नौकरी के बाद मोबाइल देखने देते भी नहीं थे कि कौन है लड़की, बात करते। हाँ। क्या हुआ? चाचा, आपके दामाद, आपके जो समधि है वो आपकी बेटी को नहीं रखना चाहते? पहले तो ठीक ठाक से रख रहे थे, सब मिल के किए थे, धूमधाम से हम टेंट समियाना के साथ बाजा गजा के साथ किए, कोई दिक्कत नहीं था। साल भर ठीक से रहे, उसके बाद वो तैयारी करने लगे नौकरी का। नौकरी जब होने लगा तो बहुत इसको तंग करने लगा, तब हमको मालूम हुआ। हम गए तो हम पंचायत बैठाए। हाँ। ये है पंचायत का कागज। हाँ, इसमें क्या है? इसमें पंचायत बैठाए और स्टाम्प पेपर। क्यों आपकी बेटी को नहीं रखना चाह रहे हैं वो लोग? वो लोग नहीं रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं दूसरे से हम अगर तिलक लेंगे, दहेज लेंगे। हमारे हम तो गरीब हैं, राजमिस्त्री हैं। हाँ। उतना पैसा है नहीं हमारे। हाँ। बेटी के टॉर्चर किए और बेटी से फोन करवाते हैं कि हमको रुपया दो, एक बुलेट दो, हमको पैसा है नहीं, हम कहाँ देंगे, हमको बहुत तंग कर देंगे। तब पंचायत बैठा है, पंचायत के लोग कमांडन करते हैं। बताइए, जिस बिहार में दहेज बंद है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, वहाँ पे शिक्षक की नौकरी लगने के बाद एक शिक्षक दहेज के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं? जी हाँ, सुने हैं, बग्घा में देख रखे हैं। हाँ। हमारे बेटी को छोड़ना चाहते हैं। आपकी बेटी के साथ जो हुआ है ये किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। एक पिता के लिए बेटी ही सब कुछ होती है, बेटी का लगाव पिता से सबसे ज्यादा होता है। आपकी बेटी के साथ जो हुआ है, कभी सोचे थे कि इतने साजबाज के आपने शादी की अपनी बेटी की और इस तरीके की चीजें होंगी बाद में? नहीं, सोचते तो नहीं थे,
लेकिन दामाद को जो नौकरी लगी होगी तो खुश भी हुए होंगे। हाँ, बहुत खुश हुए कि अब तो नौकरी हो गई, मेरी बेटी का किस्मत बदल गया। किस्मत बदल गया, लेकिन वहाँ तो तंग करने लगे कि अब दूसरे शादी करेंगे, तो उसको खेत उत भेजने लगे। तो पड़ोसी के लोग हमको कहे, तब हम जाने, तब वहाँ गए तो पंच सब दबाव दिए, यहाँ का वहाँ का, फिर माने नहीं। अपने अखबार में भी खबर आई है आपकी कि शिक्षक बनते ही पति ने पत्नी को छोड़ा दूसरी शादी के लिए, अखबार में जो खबर आई है। हाँ, अखबार में तो आई है। तो हम ही दिए थे, अब क्या करें, शरण लेना पड़ता है प्रशासन का, कहीं कहीं भटकते रहते हैं, क्या करें। जब आप प्रशासन और आवेदन दे रहे थे, आवेदन पे आवेदन आप दे रहे थे, तो आपके दामाद ने, आपके समधी ने आपको क्या कहा? वो कहते हैं जो मर्जी है कीजिए, हम फरिया लेंगे, लड़ लेंगे, हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं। आपके पति, आपके जो ससुर जी है, क्या बोलते हैं? बोलते हैं केस करेंगे तो केस भी लड़ लेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं। अब हम भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ आवेदन किया है आपने? हम बीरपुर थाना दिए, बीरपुर थाना में लिए नहीं, वापस चले आया। थाना में क्यों नहीं लिया? मैनेज है वहाँ, मैनेज है। आपको लगता है? हाँ, हमको लगा। अपने पति के साथ आप रहना चाहती हो? जी हाँ, रहना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत तंग करते हैं, कैसे रखेंगे। स्टाम्प पेपर, सोसाइटी पेपर पर भी दस्तखत करवा लिए हैं। क्या बोल के करवा लिए दस्तखत? दस्तखत करवा लिए, बोले नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे। बोले आप काहे मरिएगा, हम ही कर देते हैं, दस्तखत दीजिए। और तलाक पेपर पर भी दस्तखत करवा रहे थे, हम नहीं किए। और तलाक पेपर पे भी आपसे दस्तखत ले रहे थे? हाँ जी, ले रहे थे। बोले मर जाएंगे लेकिन इस पर नहीं करेंगे दस्तखत। आपने कहा? जब वो लड़का बेरोजगार था तो दुख ये सही, और नौकरी मिल जाती है तो कहीं और शादी करना चाहते हैं। जी हाँ। जब सुख का दिन आता है तो आपको छोड़ देना चाहते हैं? जी हाँ, छोड़ना चाहते हैं। दुख में आपने साथ दिया, नौकरी की तैयारी में उनको सहयोग किया, और जब सुख का समय आया, आपको सुख मतलब का समय लौट आया, नौकरी लग गई कि अब सुख होगा, खुशी हुई, तो आपके दामाद, आपके समधी लोग आपकी बेटी को रखना नहीं चाहते? रखना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं दूसरे जगह दहेज मिलेगा। हाँ। हमारे तो गरीब आदमी, हम कहाँ देंगे, हम तो जो था वो दे लेके कर दिए। नौकरी होते ही रखना नहीं चाहते, दहेज का लालच हो गया। और दहेज का लालच हो गया क्या? सोचते हैं कि अब नौकरी हो गई है, अब शादी करेंगे तो दहेज भी मिलेगा शादी में। हाँ, हमको भगाना चाहते हैं। हाँ, आपको नहीं रखना चाहते, भगाना चाहते जी, मतलब शादी होते ही या बाद में? साल भर तक ठीक रहे थे, अच्छे से रहे थे। हाँ। उसके बाद जब नौकरी हुआ तब, हाँ, जब नौकरी से पहले हमको मायके भेज दिया गया था। उसके बाद जब हम नौकरी हुआ तो हमको फोन तक भी नहीं करते थे। जब यहाँ से हम गए थे तो भगा दिए थे। उसके बाद जब सभी पंच मिलकर, पापा पंच रखे थे और सभी पंच मिलकर जब रखवाए थे, तो सभी तंग कर रहे थे कि अब नहीं रहने देंगे, और सभी काम करवाते थे, खेत और भेजने लगे, और गाली गलौज मारपीट। मतलब उनका रवैया पूरी तरीके से बदल गया, नौकरी के बाद आपको खेत में काम करने के लिए भेज देते थे, उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं। हाँ। नौकरी के बाद भेजने लगे सब, खेत बाहर और सब, और खाना में भी, खाना भी खाते थे उसमें भी लाद दे देते थे। खाना खाते थे तो लाद दे देते थे? आप जब खाना खाने के लिए बैठती थी तो लात मार देते थे उसमें जी। कौन ऐसा करता था आपके साथ? मेरे पति। पति ऐसा करते थे जी। और सब काम करवाते थे, सब मिलकर प्रताड़ित करते रहते थे कि तुम जेवर लेकर भाग गई है और रुपया भी पापा को दे आई है। आपने पूरे साज बाज के अपनी बिटिया की शादी की? हाँ, एकदम धूमधाम से किया, उसमें 7.5 लाख रुपया खर्च भी किए इधर उधर से लेके। हाँ। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था। हाँ। अब नौकरी हुआ तब कहते हैं हमारे बुलेट दो। क्योंकि देखिए, एक पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी का शादी अपने से ऊंचे घराने में हो, तो इन्होंने अपनी जितनी जमा पूंजी थी उसे अपनी बेटी की शादी में, बिटिया की शादी में खर्च कर दिया, और वो खर्च लगभग 7 लाख के आसपास ये बता रहे हैं। आपने अक्सर कहानी देखी होगी कि एक पत्नी को या महिला को जब नौकरी हो जाती है तो वो बदल जाती है, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पे एक महिला अपने पति को पढ़ा लिखा करके शिक्षक बनाती है और पति बदल जाते हैं। जी, पति बदल गए। जी, पति बदल गए। कौन सी नौकरी हुई आपके पति को? हाई स्कूल के टीचर है, 9वां 10वां के।
टीचर शिक्षक की नौकरी हुई है। हाँ। और शिक्षक बनते ही बदल गए? जी हाँ, शिक्षक बनते ही बदल गए और रखना नहीं चाहते, दूसरी शादी करना चाहते हैं। दूसरी शादी करना चाहते हैं? आपको उन्होंने ऐसा कहा है कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं? जी हाँ, बोले बोले, बोले तुम जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे, केसर भी करेंगे तो केस भी लड़ेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं, लेकिन रखेंगे नहीं। और ये सारी चीजें आपके पति की नौकरी के बाद शुरू हुई? हाँ जी, नौकरी के बाद ही शुरू हुई। उससे पहले आपसे प्रेम से बात करते थे, झगड़ा कुछ नहीं होते? नहीं, झगड़ा नहीं करते, सब अच्छे से रहते थे। हाँ। खाना पीना सब खाते थे। हाँ। उसके बाद सब रखना नहीं चाहते। बताइए कि जब एक महिला ऐसा करती है तो समाज कहते हैं कि महिला को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और इस तरीके की बातें होती है, लेकिन जब एक पति ऐसा करे, एक मर्द ऐसा करने लगे, वो भी शिक्षक का नौकरी, जो कि एक गरिमापूर्ण नौकरी होती है और कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता होते हैं जो शिक्षक होते हैं, वैसे आप इस स्टोरी पे क्या सोचते हैं, इस लड़की की कहानी देख के, और उस पति के बारे में क्या सोचते हैं, उस शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं, अपने यहाँ कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सोनी को न्याय दिलाने में मदद कीजिए।